गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी। और हिंदी में मैं आपको करवा रही हूँ दो नाम कार्य। ये जो वर्क है वो आपके जो एनुअल एग्जाम है उनसे रिलेटेड है, तो ये जो वर्क है हमें उसे रिवाइज भी करना है, प्लस उसको आपको लिखकर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए, हम लोग लिखते हैं दो वर्ण वाले और तीन वर्ण वाले शब्द। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न लिखते हैं। दो वर्णों वाले शब्द लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो वर्ण वाले जो शब्द हैं उनको आपको लिखना है। तो दो वर्ण वाले जो भी आपको याद है, मैंने आपको बहुत से शब्द लिखवाए हैं, तो आप कोई भी दो तीन या फोर, हम लोग फोर लिखते हैं, चार लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ब स बस। ओके, नेक्स्ट देखिए घ र घर। ओके, और देखिए च ल चल। नेक्स्ट है ज ल जल। ओके, तो ये देखिए दो वर्णों वाले शब्द लिखे। तो हमने दो वर्ण वाले यानी दो दो अक्षर वाले दो वर्ण वाले शब्द हमने लिख दिए हैं, जैसे बस घर चल और जल। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है, इससे आपको टू टाइम अपनी कॉपी में इतना है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर टू। तीन वर्णों वाले शब्द लिखिए। क्या लिखेंगे, तीन वर्ण वाले लिखेंगे। ठीक है, देखिए तीन वर्ण, यहाँ दो थे वन और टू, है ना, एक और दो थे, हम लोग क्या लिखेंगे, अब तीन वर्ण वाले लिखेंगे, यानी उसके तीन अक्षर होंगे। तो देखिए म ग र मगर। देखिए क म ल कमल। ओके, फिर देखिए ब त ख बतख। ओके, और लिखते हैं र म न, रम नाम है जिस का। ठीक है, तो देखिए म ग र मगर, क म ल कमल, ब त ख बतख, र म न रमन। तो मैंने आपको दो वर्ण वाले और तीन वर्ण वाले जो शब्द थे वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। ये जो वर्क है आप अपनी मन की हेल्प से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, प्लस इसको आपको अपने एनुअल एग्जाम के लिए लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।